गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। आज आप लोग हम बताएंगे कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग शामिल क्यों होते हैं, क्या कारण है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम इन सारी चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे। देखिए होता क्या है कि आप अपने आप को तो सबसे पहले खुश नसीब समझिए कि आपने सबसे बेहतर जो फील्ड है उस फील्ड को चुना अपनी लाइफ के लिए, अपनी कैरियर के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वर्किंग होते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें क्या होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता, उन्हें अपने परिवार को मैनेज करने के लिए भी समय नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले पिछले भी क्लासेस में कि आप अगर अपने घर का बिल पे करना चाहते हैं, जैसे कि आपके घर में राशन का बिल होता है, आपका इंश्योरेंस का बिल होता है, आपका बिजली का बिल होता है, पानी का बिल होता है वगैरह वगैरह, बच्चों के स्कूल की फीस वगैरह सब होती है, तो ये सारी चीजें आप कब पे कर सकते हो, कैसे पे कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आप 20,000 रुपये पर मंथ कमाते हो और आपके खर्च 30,000 रुपये पर मंथ है, तो आप मेंटेन कहाँ से करोगे? क्योंकि आप तो 8 घंटे के पहले से जॉब कर रहे हो, तो आपको क्या करना होता है कि एक्स्ट्रा समय लगाना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपको देनी होती है, ओवर टाइम कम करना होता है, तब जाके आप उस चीज को मैनेज करते हो और आपका ये दिनचर्या बन जाता है। जैसे कि आप 8 घंटे जॉब करते हो, ओवर टाइम लगाते हो तो 4 घंटे किया। अगर आप 20,000 रुपया कमाते थे, ओवर टाइम 4 घंटा पढ़ने करते हो, तो क्या होगा इसमें 10,000 रुपया और हो जाएगा। और 30,000 जो है वो 30,000 रुपये खर्च है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी मेकअप आपका हो जाएगा। लेकिन बीच में अगर कोई इमरजेंसी आई तो आपको क्या करना होता है, खर्च लेना होता है कि नहीं। अगर आप बीमार पड़ गए तो आपकी इनकम बंद हो जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को काम करना, वह अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं दे पाता। आप उनके वाइफ भी काम कर रहे हैं तो अच्छा सा घर भी होगा वगैरह के लिए, पैसे जमा करने होते हैं घर वगैरह के लिए, तब जाके वह एक अच्छे से घर का सपना देखता। अगर नहीं तो उसके जीवन ऐसे ही चलती रह जाएगी। और वो जो काम करता है 12 घंटा किया, वह उस काम को छोड़ नहीं सकता। अगर वह छोड़ेगा तो फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे और वह कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही अच्छा मार्केटिंग है, बहुत ही अच्छी विषय है कि वह इस चीज को बिना अपना कोई टाइम एक्सपेंड किए हुए, कोई ज्यादा समय एक्सपेंड किए हुए सुचारू रूप से कर सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक डॉक्टर की कहानी बताता हूँ। एक डॉक्टर थे जो डेंटल डॉक्टर थे, दांतों के डॉक्टर थे, वो हमेशा क्लिनिक जाया करते थे क्योंकि 8:30 बजे उन्हें अपनी क्लिनिक खोलनी होती थी। तो 8:30 बजे अगर उन्हें अपनी क्लिनिक खोलनी है तो उन्हें सुबह के 6 बजे उठना होता और फिर फ्रेश हुए, मॉर्निंग वॉक किए वगैरह सब करके वो तैयार होकर अपने क्लिनिक पर पहुँचते। और 8:30 बजे से लेकर शाम के 8:30 बजे तक वो क्या करते थे, लोगों को देखते थे। ठीक, तो उनके पास क्या था कि टाइम नहीं था। एक दिन उनका एक फ्रेंड आया और वो कॉफ़ी पी रहा था बेचारा, कॉफ़ी शॉप में बैठ के, तो आया और उनसे पूछा, बताइए क्या हाल समाचार है, कैसी आपकी बिजनेस चल रही है? तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बेचारा जो था, ठीक है, हाल ही में दोस्ती हुई थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा यार ये तो कर रहे कि ठीक ही है। तो उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम आ गई जो आप इतनी उदास मन से करें, ठीक ही है, इतनी महंगाई वाली जिंदगी, इतनी महंगाई भरी जो ये जमाना है, इस महंगाई के दौर में आपके पास एक आलीशान बंगला है, अच्छा खासा कार है, अच्छा खासा ऑफिस है, अच्छा खासा सब कुछ है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप बोल रहे ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम भी है क्या? तो बोला देखो ऐसा है, उन्होंने कहा
डॉक्टर ने कहा देखो ऐसा है कि सब कुछ तो मेरे पास है, लेकिन अगर मैं काम करना छोड़ दूं तो कुछ भी मेरे पास नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ठीक ही, और मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता। बोले क्यों? अब वो अगर वो बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा है, आपका क्लिनिक में काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो बहुत सारे प्रोफेशन है, आप कोई दूसरा काम स्टार्ट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा दूसरा नहीं कर सकता। बोले क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि अगर दूसरा करूँगा तो हमारे जो घर के बिल आते हैं वो बिल पे नहीं होगा, तो बिल पे करने के लिए हमें उतना घंटा वहाँ देना ही पड़ेगा, उतना काम करना ही पड़ेगा, हम दूसरे धंधे पर नहीं जा सकते। ये हमारे साथ मजबूरी है, हमारी आदत बन गई और लाइफ ऐसे ही जाएगी और इसमें हम तबादला नहीं कर सकते। तो उस लड़के ने कहा, उसके जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा, अगर आपसे कोई व्यक्ति उम्र में छोटा हो, क्योंकि आपकी उम्र तो वैसे भी देखने में लगी है कि 40-42 साल की है, तो बोला हाँ, तो अगर कोई आपसे छोटा 18 साल का कोई लड़का आपको सजेशन दे कुछ दांतों के संबंध में, जैसे कि आप दांतों के डॉक्टर हैं, तो क्या आप उनकी बात मानेंगे? तो उन्होंने उनका जवाब, एक अनुभवहीन लड़का मुझे क्या सिखा सकता है, मेरे पास तो इतने सालों का अनुभव है, एक्सपीरियंस हमारे पास इतना भरा हुआ है, तो वह हमें क्या सिखा पाए? तो उस लड़के ने कहा फिर इतनी देर से हमारी बातें आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि मैं भी तो 18 साल का ही, बेचारा थोड़ी देर के लिए रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि वह उससे उसकी लाइफ से रिलेटेड बातें बता रहा था कि आप अपने प्रोफेशन बदल लीजिए, ये बदल लीजिए, फिर उनके साथ वो शेयर करवाता था। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे अनुसार बताओ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर तो बात स्टार्ट हो गई और वह सुनने के लिए तैयार था और ये बोलने के लिए तैयार था, और फिर इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया और फिर समय दिया, उस समय पर जाके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बातें की, और फिर वो डॉक्टर वो प्रोफेशन को करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया और टॉप का नेटवर्क मार्केटर बना। तो हम अगर किसी व्यक्ति से, अगर वो लड़का सोचता जो 18 साल का ही था कि हम इतने बड़े डॉक्टर से कैसे बातें करेंगे, क्योंकि बराबर वो कॉफी शॉप में मिल जाता था तो देखते देखते दोस्ती हो गई। ठीक है, फिर उन्होंने उनसे रिलेटेड, यानी कहते हैं कि दुखती रख पर हाथ रखना, सुने ना, दुखती रख पर हाथ रखना। तो आपको हर इंसान के अंदर उसकी आवश्यकताओं को ढूंढना होगा कि इंसान आखिर चाहता क्या है, क्या चीज उसे चाहिए। अगर हम वो चीज देंगे तो वह काम करने को तैयार हो जाएगा, उसकी इच्छाएं क्या है, ये आपको उनके अंदर ढूंढना होगा। अगर आपने उसे ढूंढ लिया तो सोचिए आप सफल हैं, अगर आप उसे नहीं ढूंढ पाए तो अच्छे से अच्छी प्रेजेंटेशन भी आपकी बेकार चली जाएगी। बड़ी ही गौर से सुनेगा, बोलेगा हाँ हाँ मुझे तो आपके साथ ही ज्वाइन करनी है, लेकिन अगले दिन मिलोगे तो सारी उसकी जो है ना नशा उतर चुका होगा, जैसे नशा कोई करता है भड़ा में उतर जाती है ना, तो ऐसे ही उसकी नशा उतर गई होगी, क्योंकि हमने उनकी प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं उन पर ध्यान ही नहीं। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करता है। हर इंसान चाहता है कि उनके पास एक क्या हो, उनके पास अतिरिक्त आमदनी हो, क्या हो, अतिरिक्त आमदनी। दूसरा सोचता है कि हमारे पास आर्थिक स्वतंत्रता हो। तीसरा सोचता है वह नए नए लोगों से मिले। चौथा सोचता है बहुत सारे लोग कि दूसरों की मदद करें, आलीशान बंगला हो,
रिटायरमेंट से बचें। अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं। आठवां जो होता है, जो लोगों की इच्छाएं होती है, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। समझते हो ना? डेवलपमेंट हो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी और चीजें हैं जो लोगों की आर्थिक आवश्यकताएं होती है, जिन्हें हर इंसान चाहता है कि वो सारी चीजें मेरे पास हो। एक आलीशान बंगला हो, अच्छे कार का मालिक हो, ठीक है, कुछ घर में नौकर हो, चाकर हो, हमारे पास अतिरिक्त आमदनी हो, स्वतंत्रता हो, हमारे पास कुछ भी खरीदने की आर्थिक स्वतंत्रता हो, हम नए नए लोगों से मिले, दूसरों की मदद करें, आलीशान बंगला हो, रिटायरमेंट से बचें, अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाए, या पर्सनैलिटी को और ज्यादा निखारे। तो ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? तो इनमें से क्या सारी चीजें चाहिए आपको? सबसे ज्यादा कौन सी चीजें आपको आकर्षित करती है कि मेरे पास ये होनी चाहिए?